दोस्तों आज हर चीज के लिए सबको सबूत चाहिए, प्रेम का भी सबूत चाहिए, लेकिन भगवान देने को तैयार हैं, परंतु आप पहले भगवान से प्रेम तो करें। भगवान अपने भक्तों से अत्यधिक प्रेम करते हैं, भगवान अपने भक्त के लिए कुछ भी कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण में एक कथा आती है फ्रेंड्स, जो आपके सामने यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। दोस्तों एक थे राजा अमरीश, भगवान के वो अनन्य भक्त थे। वह इतने बड़े भक्त थे फ्रेंड्स कि भगवान ने सुदर्शन चक्र को इनकी रक्षा के लिए नियुक्त किया हुआ था। एक बार ऋषि दुर्वासा को लगा कि अमरीश राजा ने इनका अपमान किया, इन्हें भोजन कराए बिना खुद भोजन कर लिया, जिस कारण ऋषि दुर्वासा ने अमरीश राजा को मारने के लिए एक कृत्या नाम की दैत्य को पैदा करते हैं। लेकिन सुदर्शन चक्र कृत्या को मार देता है और फिर दुर्वासा जी के पीछे लग जाता है। दुर्वासा जी आगे आगे और सुदर्शन चक्र पीछे पीछे, उनकी रक्षा ब्रह्मा शिव और अन्य कोई देवता नहीं कर पाता। अंत में वे भगवान श्रीहरि विष्णु के पास रक्षा के लिए जाते हैं। तब भगवान कहते हैं, दुर्वासा जी मैं सर्वथा भक्तों के अधीन हूँ, मुझ में तनिक भी स्वतंत्रता नहीं है, मेरे सीधे साधे सरल भक्तों ने मेरे हृदय को अपने हाथ में रखा है, भक्त जन मुझसे प्यार करते हैं और मैं उनसे अपने भक्तों का एकमात्र आश्रय मैं ही हूँ, इसलिए अपने साधु स्वभाव भक्तों को छोड़कर मैं ना तो अपने आप को चाहता हूँ और ना अपनी अर्धांगिनी विनाश रहित लक्ष्मी को। जो भक्त स्त्री पुत्र गृह गुरुजन प्राण धन इह लोक और परलोक सबको छोड़कर केवल मेरी शरण में आ गए हैं, उन्हें छोड़ने का संकल्प भी मैं कैसे कर सकता हूँ। जैसे सती स्त्री अपने पतिव्रत से सदाचारी पति को बस में कर लेती है, वैसे ही मेरे साथ अपने हृदय को प्रेम बंधन से बांध रखने वाले समदर्शी साधु भक्ति के द्वारा मुझे अपने बस में कर लेते हैं। मेरे अनन्य प्रेमी भक्त सेवा से ही अपने को परिपूर्ण कृत्य कृत्य मानते हैं। मेरी सेवा के फल स्वरूप जब उन्हें सालोक्य सारूप्य आदि मुक्तियाँ प्राप्त होती है, तब वे उन्हें भी स्वीकार करना नहीं चाहते। फिर समय के फेर से नष्ट हो जाने वाली वस्तुओं की तो बात ही क्या है। दुर्वासा जी मैं आपसे और क्या कहूँ, मेरे प्रेमी भक्त तो मेरे हृदय हैं और उन प्रेमी भक्तों का हृदय मैं स्वयं हूँ। वे मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते तथा मैं उनके अतिरिक्त और कुछ नहीं जानता। दुर्वासा जी सुनिए, मैं आपको एक उपाय बताता हूँ, जिसका अनिष्ट करने से आपको इस विपत्ति में पड़ना पड़ा है, आप उसी के पास जाइए। निअपराध साधुओं के अनिष्ट की चेष्टा से अनिष्ट करने वाले का ही अमंगल होता है। इसमें संदेह नहीं कि ब्राह्मणों के लिए तपस्या और विद्या परम कल्याण का साधन है, परंतु यदि ब्राह्मण उदंड और अन्यायी हो जाए तो ये ही उन दोनों उल्टा फल देने लगते हैं। दुर्वासा जी आपका कल्याण हो, आप नवहाग नंदन परम भाग्यशाली राजा अमरीश के पास जाइए और उनसे क्षमा मांगिए, तब आपको शांति मिलेगी। दोस्तों इसके बाद दुर्वासा ऋषि राजा अमरीश के पास गए और उनसे क्षमा मांगी और अमरीश जी ने सुदर्शन चक्र को शांत कर दिया। तो दोस्तों यह था भगवान और भक्त के प्रेम के बारे में जानकारी, कि भक्त का प्रेम के आगे भगवान किस तरह से भक्त के अधीन हो जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिएगा। और दोस्तों ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।